लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को उत्तर प्रदेश के 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को सुल्तानपुर से दोबारा मौका दिया, तो वहीं उनके बेटे और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया और उनकी जगह जितेन प्रसाद को मैदान में उतारा। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की ये पांचवी सूची है। हालांकि पहले सूची में 51 उम्मीदवार घोषित करने के बाद पार्टी ने बाकी 3 सूचियों में राज्य के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। पांचवी सूची में उत्तर प्रदेश के कुल 13 उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिनमें पार्टी ने अपने 9 मौजूदा सांसदों को मौका नहीं दिया। पार्टी ने जिन 9 सांसदों का टिकट काटा, उनमें गाजियाबाद के सांसद व केंद्रीय मंत्री जो कि रिटायर्ड हैं वीके सिंह, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, बरेली से संतोष गंगवार, कानपुर के सत्यदेव पचौरी, बदायूं से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री डॉक्टर संगमित्रा मौर्य, बाराबंकी के उपेंद्र सिंह रावत, हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर, बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़ और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिन 9 सांसदों के नाम काटे गए हैं, टिकट काटे गए हैं। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल की जगह सिने अभिनेता और रामायण धारावाहिक में भगवान राम की भूमिका अदा कर चुके अरुण गोविल को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। वहीं बाराबंकी में पहली सूची में घोषित मौजूदा सांसद उपेंद्र सिंह रावत की जगह जिला पंचायत की अध्यक्ष राजानी रावत को उम्मीदवार बनाया गया। उपेंद्र रावत का कथित तौर पर एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ था, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वरुण गांधी केंद्र के 3 कृषि कानूनों के आने के बाद से ही अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ मुखर रहे। हालांकि बाद में सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया और उन्होंने रोजगार और स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर भाजपा के खिलाफ आवाज उठाई। वैसे पार्टी ने उनकी मां मेनका गांधी पर भरोसा जताया, जिन्हें सुल्तानपुर से फिर टिकट दिया गया। जनरल वीके सिंह और सत्यदेव पचौरी दोनों ने रविवार को ही 2024 का चुनाव लड़ने के लिए अनिच्छा व्यक्त की थी, इसलिए इनका नाम लिस्ट से हटाया गया। भाजपा की सूची के मुताबिक सहारनपुर से राघव लखनपाल, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से रामानंद सागर, कृत धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, गाजियाबाद से विधायक व पूर्व मंत्री अतुल गर्ग, अलीगढ़ से मौजूदा सांसद सतीश गौतम, हाथरस से अलीगढ़ के खैर क्षेत्र के विधायक अनूप वाल्मीकि, बदायूं से दुर्ग विजय सिंह शाक्य, बरेली से पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार, पीलीभीत से प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, कानपुर से वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी, बाराबंकी से राजरानी रावत और बहराइच से डॉक्टर अरविंद गौड़ को उम्मीदवार बनाया गया। बता दें कि भाजपा के 51 उम्मीदवारों की पहली सूची में उत्तर प्रदेश की 5 सीट पर महिला उम्मीदवार को मौका मिला था, वहीं इस बार 13 सीट में से 2 सीट पर महिला उम्मीदवार को उतारा गया और इसके साथ ही 9 सांसदों का टिकट काट दिया गया।